हाय एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी मूंग दाल चीला। इसके लिए हमें चाहिए मूंग दाल। इसको मैंने रात में भिगो के रख दिया था तो ये अच्छे से फूल गई है। और ये हरी मिर्च, लहसुन और प्याज को रफली चॉप करना है हमें, जिससे हमें ये दाल के साथ इसमें डाल के लहसुन प्याज आप इसको पीस लीजिए। ज़्यादा पतला नहीं पीसना है हमको, थोड़ा मोटा मोटा रखना है। तो मैंने यहाँ पे लहसुन प्याज और मिर्च डाल दिए हैं। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। और अब हम इसको पीस लेंगे पानी डाल के। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये मिक्सर जो हमारा बैटर था वो पीस लिया है पानी डाल के। देखिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। तो आप पहले कम ही रखें, बाद में अगर आपको चाहिए कि बैटर थोड़ा पतला करना है तो बाद में आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए, ये मैंने निकाल लिया है, क्योंकि ज़्यादा पतला कर देंगे तो हमें चीला अच्छे से बनेंगे नहीं। तो अब हम इसमें अपने रेगुलर मसाले जो होते हैं वो डाल सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। इसको अच्छे से पानी को पहले मैं मिला लूँगी। तो ये देखिए, पानी अच्छे से मिल गया है। अब हम इसमें अपने ड्राई मसाले ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले धनिया पाउडर डाला है और फिर अपना नमक। नमक आप टेस्ट के अनुसार डालें। और हरी मिर्च अगर आपने अच्छे सफिशिएंट डाली है तो लाल चिली पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने थोड़ा कम डाला था हरी मिर्च, इसलिए थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करी है मैंने। तो ये देखिए, अब सारे मसालों को अच्छे से मिला लीजिए। ये अब सारे मसाले हमारे ड्राई मसाले जो इसमें मिल गए हैं। और इसमें थोड़ा सा आप खाना सोडा डाल सकते हैं, थोड़ा सा उसको हल्का सा फूल जाएगा इसलिए। तो मैंने ये आधी चम्मच से भी कम थोड़ा सा खाना सोडा डाला है। अब इसको अच्छे से मिला के ढक के कम से कम 1 घंटा या 1.5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। तो आइए देखिए, ये 1.5 घंटा कुछ हो गया है। मतलब आप ब्रेकफास्ट जब भी बनाने वाले हो, लंच या इवनिंग में, उससे पहले आप थोड़ा सा इसको बना के, दाल को आपको 1 दिन पहले भिगोना पड़ेगा और फिर आप कभी भी मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में कभी भी बना सकते हैं। तो ये मैंने तवे पे तेल लगा दिया है और ये बैटर में मैंने और पानी नहीं डाला है, क्योंकि मुझे सफिशियंट लगा। ज़्यादा पतला नहीं कर सकते क्योंकि मैंने बैटर को थोड़ा हल्का मोटा रखा है, ज़्यादा नहीं। सारी दाल अच्छे से पिस गई लेकिन बहुत बारीक नहीं की है। तो ये देखिए, आप इसको ऐसे तवे पर डाल के अच्छे से ऐसे चीले के शेप में ऐसे गोल पूरा कर दें, जैसे हम लोग नॉर्मल रोटी डोसा जो भी बनाते हैं। और ऊपर से हल्का सा तेल डाल के इसको थोड़ी देर, अराउंड 5 मिनट के लिए, क्योंकि मेरी गैस मैंने स्लो पे रखा हुआ है, इसको छोड़ दें। तो ये देखिए, ये अपने आप साइड से हल्का हल्का छूटेगा। और आप हल्के से साइड से, जिससे भी आप इसको पलट रहे हैं, सॉरी वो थोड़ा सा, कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी होता है कि वो टूट जाता है। तो आप इसको नॉर्मल तेल या ऊपर के थोड़ा हल्का जो बैटर जो कम पका होता है उसको आप करेंगे तो वो चिपक जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, टूट भी गया है बट कोई बात नहीं। तो ये देखिए, मैंने उसको दोबारा लगा दिया। उसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो जो पीछे की तरफ हल्का सा जो अभी अच्छे से पका नहीं है उससे वो चिपक जाता है। तो ये देखिए, फाइनली चिपक गया हमारा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट अच्छा बना लेंगे। तो ये देखिए, ये पूरा अच्छे से रेडी है। तो ये देखिए, मैंने दूसरा डाला हुआ है और ये अच्छे से परफेक्टली पलट गया है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे और भी चीले बना रखे हैं। तो हमारे मूंग दाल के क्रिस्पी चीले रेडी हैं। आप भी बनाइए और सर्व कीजिए नारियल की चटनी के साथ। थैंक यू।